assalamu alaikum my dear students hope you all are doing good this is me mr Rida, your english teacher so before we start let's recite dua first sadri wa amri lisani so students what do you understand by this title if i can stop one heart from breaking see this. कि अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से आप अपने आप को रोक सकें तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो बिला वजह ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्राम ब्रेकिंग मतलब कि अगर आप किसी की तकलीफ़ को उसकी तकलीफ़ कम कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर रहे हैं अगर आप किसी के दर्द को किसी के दर्द को सुकून दे रहे हैं या किसी इंसान को रिहा कर रहे हैं ठीक है मतलब किसी इंसान के साथ जो बुरा हो रहा है उसको आप रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी को बेमकसद नहीं जी रहे आप आपकी जिंदगी जीने का कोई ना कोई मकसद है अब जैसे ये है कि एक ये इफ इफ आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग और कूल वन पेन और हेल्प वन पेंटिंग रॉबिन अन टू हिज नेक्स्ट अगेन आई शल नॉट एवेन वेन अगर आप एक रॉबिन है जो बेचारी कैद हुई भी है उसको या रास्ता भटक गई है या कुछ भी हो गया उसको आप अपने नेस्ट तक पहुंचा दें तो इसका मतलब यही है ना कि देखो आपने उसको हेल्प आउट किया है ठीक है उसकी जो बेचारी की प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया तो इसका मतलब यह है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद लेकर जा रहे हो कोई ना कोई आपका ज़रूर मकसद है आप बेमकसद ज़िंदगी नहीं जी रहे आप लोगों का बहुत ख्याल कर रहे